नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर द्वारा माता गुजरी के घर पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके बचपन के 4 से 6 वर्ष पटना में बीता था, जिसे आज हम तख्त श्री पटना साहिब के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1670 में उनका परिवार फिर से पंजाब चला गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली थी। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के दौरान वे एक योद्धा के और सैन्य कौशल में भी पारंगत हुए। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1975 को गुरु गोविंद सिंह गुरु बने थे। वे एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। इसके बाद से उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया गया। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के नियंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने निवास को सिरमौर राज्य के पांटवा शहर में स्थानांतरित कर लिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद्र के साथ मतभेद के कारण गुरु जी को आनंदपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वे वहां से टोंक शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरु जी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वह पांटवा के लिए रवाना हो गए। राजा मत प्रकाश के अनुसार गुरु जी ने पांटवा के बहुत कम समय में अपने अनुयायियों को मदद कर उस किले को निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह के 3 साल तक पांटवा में रहे। इसी दौरान उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। सन 1667 में नादौन की पहाड़ी में गुरु गोविंद सिंह, भीमचंद और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने आलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओं को हरा दिया था। भंगानी के युद्ध के कुछ दिन के बाद रानी चंपा ने गुरु जी से आनंदपुर साहिब वापस आने का अनुरोध किया, जिसे गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ गुरु जी 1688 के वे आनंदपुर वापस आ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिख समुदाय इतिहास में अपना नाम रोशन कर रहा था। इसी समय यानी कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा कि कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया। गुरु गोविंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे तो एक खून से लटकी हुई तलवार उनके साथ थी। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोहराया। उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उसके साथ आ गया। तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने इन्हें पंच प्यारे यानी कि खालसा का नाम दिया। 8 मई सन 1705 में मुक्तेश्वर नामक स्थान पर मुगलों के भयावह युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण गए, जहां पर उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का पता चला। गुरु गोविंद सिंह ने 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें 5 ककारों का भी महत्व समझाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्चेरा हमेशा साथ रखें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इस संबंध को देखते हुए सरहद का नवाब बाजिद खान घबरा गया। उसने 2 पठान को गुरु जी के पीछे लगा दिया। इन पठानों ने गुरु जी को धोखे से घातक वार किया, जिसमें 7 अक्टूबर 1708 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा और खुद भी उन्होंने उसके आगे मत्था टेका। आज के वीडियो में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी और भी वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।